आपको प्रणाम करता हूँ किंतु जिसकी आलिंग में जिसकी आंगन में स्वयं परम परम प्राप्त तो कृष्ण स्वयं जहाँ पर उठन पर कीर्तन करते उसी तरह हम महाप्रभु क्या क्या वंदना करेंगे। हम तो महाप्रभु का जो शिष्य लोग हम इनको वंदना करते हैं। हम लोग इनकी कथा सुन करके आपको ये लगता है यहाँ महाराज नहीं है, आपको लगता है इनकी कथा सुन करके आपको क्या ये लगता है यहाँ पर श्री गुरुदेव नहीं है, आपको लगता है क्या लगता है बोलो तो? गुरुदेव साक्षात रूप में यहाँ पर है। देखो मैं सारा दुनिया में घूमता हूँ लेकिन हमारे गुरु जी की जो कृपा है ना, इन लोगों का हरि कथा सुन करके मैं सारा दुनिया में जाता हूँ। ये जो गंभीर विचार है ये शास्त्र की, हर जगह पर जाओ गद नहीं, इसको मधुर बात नहीं करना, इस ब्रज की कथा नहीं करना, लेकिन हमारे गुरु जी का अंदर भी यही विशेष बात था। इसमें बोल रहे थे स्वामी महाराज ने जगत में उन्होंने संबंध था ज्ञान को उन्होंने प्रदान किया, कत भक्ति रखिया का श्री सिद्धर गोस्वामी महाराज ने वहां पर अभिनय तत्व को वर्णन किया, लेकिन हमारे जो गुरुदेव है कौन सा तत्व को स्थापन किया, प्रयोजन तत्व को उन्होंने स्थापन किया है, इन्होंने सिर्फ प्रयोजन, इसलिए इनका नाम नारायण है। नारायण मतलब क्या है, नर मतलब होता है रस, अयन मतलब होता है जो रस को प्रदान करते हैं, है? नर मतलब होता है प्रेम भक्ति युक्त ज्ञान, अयन मतलब होता है संपूर्ण प्रेम भक्ति की जो आश्रय स्वरूप है, कौन है बोले हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज। ये कथा जो हम आज श्रवण कर रहे हैं पृथ्वी में कहीं भी आप जाओ, आप लोग कहीं तो इसको भी कोई आए इधर उधर भी कहीं तक सारा दुनिया में गया, लेकिन इतने गंभीर इतने तत्व दर्शन इतने रस कथा और इतनी सुंदर सिद्धांत कथा आप कहीं भी, आप लोगों ने इस कथा को कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा जो श्री गुरु जी की सान्निध्य में हम बैठ करके जो हम कथा सुन रहे हैं। इसलिए ये कथा सुन करके हमको ये साक्षात अनुभूति हो रही है महाराज कहीं गुरु जी नहीं गए, गुरु जी सचमुच से इन भक्तों का हृदय में गुरु जी की निवास, श्री गुरु जी की निवास है। इसलिए आप लोगों ने अभी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवदान के ऊपर में श्रवण कर रहे थे। महाप्रभु का जो अवदान है जिसके लिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत सुनम। उन्होंने केवल वदान में नहीं बताए बोले नमो महावदान्याय, जितने वदान में सबसे बड़ा जो वदान है सबसे जो बड़े वस्तु को प्रदान किया है, इसलिए हमारे लोचन दास ठाकुर एक सुंदर कीर्तन के द्वारा महाप्रभु का वैशिष्ट और उसको साथ साथ में उनको सारे परिकर वैशिष्ट तक एक कीर्तन में उन्होंने स्थापन करते हैं। वो कीर्तन कौन सा कीर्तन है, महाराज सही बता रहे जो कीर्तन है बोले एला गौर रसा नदी कादंबिनि होए भाषाई लगौर देश प्रेम